जिले में लंबे समय से माफियाओं के द्वारा अवैध रेत और कोयला उत्खनन किया जा रहा है। पहले तो ये सारे कारनामे रात के अंधेरे में होते थे, लेकिन अब प्रशासन की निष्क्रियता के कारण दिन दहाड़े अवैध उत्खनन चल रहा है। जनहित के इस मामले पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पत्रकार महासंघ MCB द्वारा प्रदेश अध्यक्ष में नेतृत्व में अवैध उत्खनन की रोक और उचित कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर MCB को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि MCB जिले के केलहारी, मैनांद्रगढ़, चिरमिरी, जनकपुर, हसदेव नदी, अमृतधारा और नागपुर क्षेत्र में व्यापक पैमाने अवैध रेत और कोयले का उत्खनन किया जा रहा है। खनिज माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब तो 24 घंटे जीवनदायिनी नदियों से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। लगातार हो रहे रेत के दोहन से नदियों का जल स्तर भी गिर रहा है। वहीं बात करें कोयले के काले कारोबार की, तो वह भूमि और राजस्व भूमि से लगातार कोयले का उत्खनन कर ईंट भट्टों में खपाया जा रहा है। विभाग में जिम्मेदार अधिकारियों को बार बार इस संबंध में अवगत कराने के बाद भी उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण अब माफियाओं को किसी का भी डर नहीं है। इस संबंध में अपनी महती जिम्मेदारी समझते हुए जनहित की इस मामले पर पत्रकार महासंघ MCB द्वारा प्रदेश अध्यक्ष महेश प्रसाद के नेतृत्व में MCB कलेक्टर D. राहुल वेंकट को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की गई है।